फ्रेंड्स, रात का 10 बज गया है। देखा, और 10 बजे में ना बच्ची इनकी सोने की तैयारी हो गई है। और अभी मैं देखिए फोल्डिंग लगा निकालने जा रही हूँ बेड के नीचे से। लाइट से कुछ दिख थोड़ी ना रहा होगा। मम्मी पंखा चला दो। मम्मी पंखा चला। हाँ चला रहे, सबर रख जरा। और देखिए यहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा फैन ऑन कर दिया मैंने। चेन का मैंने बिस्तर भी लगा दिया। देखो मितांश यहाँ आके लेट गया फोल्डिंग पर। मैंने फोल्डिंग जो निकाली थी और वो दोनों उस पर सो रहे हैं। अभी मैं चलती हूँ दुकान को बंद करने के लिए। तो अभी देखिए आज दिन में मैंने गेहूँ बनाया था। देखिए मैं गेहूँ डालने गई नहीं चक्की पर। अभी देखिए 10 बज रहा है ना, पूरा 10 बज के। देखो दोबारा से दिखाती हूँ, 10 बज के 10 मिनट होने जा रहा है। और अभी मितांश के पापा आए नहीं है। रात का सीन दिखा देती हूँ अपने इधर गली का। ये देखो, देखा इस तरह का नज़ारा है। इधर भी देखिए, और ये दुकान देखिए। पूरे 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं और अब कस्टमरों का आना बंद हो गया है। मतलब हम खाना पीना खा लिए हैं और खाना पीना खाकर हमें अभी आए हैं फ्री होकर। तो अभी मितांश के पापा आए नहीं, तो उनके लिए जब आ जाएंगे मैं उसी टाइम खाना बनाऊंगी। और मतलब खाना क्या, रोटी डालनी है बस। रोटियां आटा लगा रखा है। और उससे पहले ना, उनसे पहले मैं ये दुकान उठा देती हूँ। और इस तरह से पूरा सामान अंदर, बाहर से बाहर वाला अंदर मैं कर लेती हूँ और दुकान को कर देती हूँ बंद। तो यहाँ देखिए मैं दुकान बढ़ा चुकी हूँ और देखिए गेट भी लगा दिया है। और अब मुझे करना है, पर्ची भी बनानी है दूध का और हिसाब भी करना है इसका। मतलब टाइम हो जाएगा 11 बज जाएगा, हो 11 भी बज जाएगा। और आज मितांश के पापा लेट हैं तो खाना बनाने में वही मतलब सोने में 12 बज जाएगा। वैसे मैं अपना बता दूं, मुझे ना 10 बजे नींद आ जाती है मुझे आँखों में। लेकिन जो 10 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, उसको मैं आँखों में नींद भर के टाइम बिताती हूँ। वो अपना सपोर्ट बना के रखना। सपोर्ट में बिल्कुल भी कमी मत करना, क्योंकि बहुत कमी कर रहे हो सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। गुड नाइट।